Hello to everyone. Now we are going to discuss about the next article related to the magnetic effect of current. हमारे पास जो next article है वो है magnetic field intensity at the center of current carrying circular loop. Means एक circle आपने लेना है, means just एक conductor है, conductor को मैंने circle की form में bend कर दिया और उसके center point पे आपने क्या find out करनी है, magnetic field. Clear? मीन्स हमारे पास क्या है, इस टाइप से है जस्ट लाइक दिस कि एक सर्कुलर लूप है और इसमें हमारे पास क्या है, करंट फ्लो कर रहा है आई, इसमें इस टाइप से करंट फ्लो कर रहा है और इसके सेंट्रल पॉइंट लेट इट बी ओ, इसमें मैंने क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड. मैं इसका रेडियस कंसीडर कर लेता हूं कि मेरे पास कितना है, लेट इट बी आर. क्लियर? अब देखिए आपको पता है कि अगर मैं इसका एक स्मॉल एलिमेंट लेता हूं लेट इट बी डीएल, तो आपको पता है इन द फॉर्म ऑफ द आईडीएल वेक्टर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, सर्कल के केस में टेंजेंट के लॉन्ग होता है. तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास अगर मैं करंट एलिमेंट लू आईडीएल वेक्टर तो ये क्या होगा, टेंजेंट के लॉन्ग होगा. अगर ये टेंजेंट के लॉन्ग है तो इसके साथ ये आर के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है. क्लियर? अब देखिए ये मेरे पास एक एप्लीकेशन है, किसकी, बायट सर्वर्ट लॉ की एप्लीकेशन है. तो बायट सर्वर्ट लॉ की अगर एप्लीकेशन है तो मैंने इसमें बायट सर्वर्ट लॉ का यूज करना है. तो देखिए आपके पास क्या है, अकॉर्डिंग टू बायट सर्वर्ट लॉ डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये मेरे पास है. अब जो थीटा हमारे पास एंगल है ये है बिटवीन आर एंड आईडीएल और इसमें एंगल मेरे पास कितना है, 90 डिग्री का है. अगर यहां पे एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं 90 डिग्री. अब साइन 90 डिग्री हमारे पास क्या होगा, 1. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर, ये मेरे पास क्या आ गया, डीबी का वैल्यू आ गया. अब अगर मैंने यहां पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड लेनी है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर. अब लिमिट्स क्या होंगे इंटीग्रेशन के, एज वी नो कि जो इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू एल है और लेंथ एलिमेंट यहां से लेकर के कंप्लीट के ऊपर वेरी कर रहा है, तो लिमिट्स क्या होगी, जीरो से स्टार्ट हुआ अप टू द टोटल सर्कमफ्रेंस, मींस लिमिट्स क्या होगी, जीरो टू टू पाई आर. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाय आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहां पे क्या आएगा, जीरो टू टू पाई आर डीएल. डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल म्यू नॉट अपॉन फोर पाई I by R square और ये हो गया L और लिमिट क्या होंगी, 0 टू 2 पाई R, ये मेरे पास होगी. नाउ अपर माइनस लोअर लिमिट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I by R square इंटू 2 पाई R, R से R कैंसल आउट हो जाएगा. और इसमें बेटर पता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं हम कि पाई को पाई से टू को फोर से कैंसिल कर देते हैं, बट इट विल बी गुड कि अगर आप ये कैंसिल ना करो. क्यों? क्योंकि व्यू नॉट अपॉन फोर पाई की हमारे पास एज इट इज वैल्यू होती है और इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में भी एज इट इज यूज कर सकते हैं. तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको हमने कंप्लीट ही लेकर चलना है. तो हमारे पास क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाय आर इंटू 2 पाई. तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप. और ये क्वेश्चन जो है पेपर में 3 मार्क्स का है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है. अब देखिए अगर मैं कहता हूं कि इसमें क्या है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, एक सर्कल और है, फिर दूसरा सर्कल है, फिर तीसरा है, फिर उससे अगला सर्कल है, देन इस तरह से अगर आपके पास n नंबर ऑफ सर्कल है तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा. अगर सिंपल एक सर्कल है देन ये आपके पास इस टाइप से होगा. अब आपको पता है कि सर्कल के केस में जो एंगल सबस्टेंड होता है एट द सेंटर वो कितना होता है, 360 डिग्री. 360 मींस वो कितना होता है, 2 पाई होता है. तो हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई बाई आर इंटू क्या होगा एंगल सबस्टेंड एट द सेंटर ऑफ सर्कल मीन्स इस टाइप से भी हम इसकी लैंग्वेज लिख सकते हैं और बेसिकली इस टाइप से भी एग्जाम में आया हुआ है. वी हैव टू प्रूव कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एट द सेंटर वो क्या होगी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाय आर इनटू एंगल सबस्टेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेट कंडक्टर वाला हमने आर्टिकल किया था उसको हम यूज कर सकते हैं यहां पे डेरिवेशन के लिए कि जस्ट एक रिलेशन को याद रखने का मेथड है. कैसे कि जैसे मेरे पास वो रिलेशन था b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाय a इंटू साई फाइव वन प्लस साइन फाइव टू. मीन्स उसमें मेरे पास क्या था स्ट्रेट कंडक्टर था और ये जो डिस्टेंस था वो कितना था a था. अगर मान लीजिए मैं इसे स्ट्रेट कंडक्टर को बेंड कर देता हूं मीन्स ऐसे बेंड कर देता हूं इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल तो आपको पता है कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर था तो एंगल मेरे पास टोटल कितना था ये था और अगर मैं इसी को क्या कर दूं एक सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दूं तो वो एंगल कितना हो जाएगा टू पाई हो जाएगा. तो आप उसको किस टाइप से लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाय ए इंटू टू पाई ये मेरे पास आ जाएगा. क्लियर. एंड यू कैन सी एक्सप्रेशन सेम है बट वहां पे डिस्टेंस ए था यहां पे आर है तो आप ए के प्लेस पे क्या ले सकते हो आर ले सकते हो. बिकॉज समटाइम्स क्या होता है हमारे लिए रिलेशंस को याद रखना टिपिकल होता है बट इस टाइप से मैं याद रख सकता हूं कि स्ट्रेट कंडक्टर केस में एक्सप्रेशन ये था और अगर मेरे पास सर्कल हुआ तो सर्कल के केस में क्या होगा टू पाई हो जाएगा टोटल. और यहां पे जो एन बेसिकली जो डिस्टेंस होगा पहले क्या था ए लिया था अब वो क्या है रेडियस है यहां पे आर तो आप इसे आर ट्रीट कर सकते हो या आप ए भी ले सकते हो बट ये आपको पता होना चाहिए कि ए यहां पे आपके पास क्या होगा वो सर्कल का रेडियस होगा. क्लियर. Any doubt? Now students, सर्कल के केस में आपने कुछ केसेस याद रखने हैं जो आपको पता होना चाहिए कि एक है जैसे मान लो कि एक सर्कुलर लूप है डिपेंड करता है कि मैंने इसको इस टाइप से प्लेस किया है या फिर मैंने इसको इस टाइप से प्लेस किया है. मीन्स ये जो सर्कल है आपके पास इस प्लेन के परपेंडिकुलर है या फिर वो इस प्लेन में प्रेजेंट है. मीन्स आपको ये पता होना चाहिए हाउ विल यू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन द केस ऑफ द सर्कुलर लूप. क्लियर. वैसे तो ये चीज हमने 10th लेवल पे भी करी है. 10th लेवल पे भी आपको पता होगा कि अगर एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से होती है. लाइक दिस इज सपोज करो कि मैंने यहाँ पे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लिया और इसमें करंट फ्लो कर रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज मैनर. मीन्स ये लूप हमने क्या रखा है इस टाइप से प्लेस किया है. क्लियर. अगर मैं इस केस में स्टडी करूंगा तो करंट आपके पास ऐसे फ्लो कर रहा है. अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है देन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल ये क्या होगा कर्लिंग ऑफ द फिंगर करूंगा. मींस मैं इस टाइप से करूंगा देन ये जो थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की. मींस आपके पास क्या होगा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पे होगा वो क्या होगा अपवर्ड डायरेक्शन होगा. क्लियर. और जैसे आप इसे अवे शिफ्ट करोगे देन उसमें क्या होंगे इस टाइप से क्या होंगी बेंडिंग अप करोगी लाइक दिस. तो अगर हमने क्या करना है सर्कल के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करना है देन हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर सपोज करते हैं हम कि ये मेरे पास क्या होता कि जैसे एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है अगर क्लॉकवाइज कर रहा होता और अगर इसमें मान लो सर्कुलर लूप में क्लॉकवाइज कर रहा होता तो आपके पास इस टाइप से जाता देन डायरेक्शन क्या होती है उसकी डाउनवर्ड होती. तो मीन्स जस्ट ये जो एरो मेरे पास होंगे वो क्या हो जाएंगे डाउनवर्ड हो जाएंगे. अब देखो एक केस जैसे हमारे पास फाइनल एग्जाम में आया था कि उन्होंने सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट किया था इन द प्लेन ऑफ द पेपर लाइक दिस कि जैसे मान लीजिए मैं इस टाइप से रिप्रेजेंट करता हूं सर्कल को एंड इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस टाइप से ये कौन सा डायरेक्शन हुआ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो अगर आपके पास मान लो क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब क्या होगा ये इनवर्ड डायरेक्शन होगा और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा देन ये क्या होगा हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन होगा. तो आपको बताया ना कि हमारे पास फोर डायरेक्शन होते हैं अपवर्ड डाउनवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड.
अपवर्ड एंड डाउनवर्ड का मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज है देन इस केस में अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करना है देन आप किस टाइप से उसे शो करोगे, इनवर्ड शो करोगे। इनवर्ड का मतलब क्या होता है, आपने उसे क्रॉस से शो कर देना है, जस्ट आपने ये बनाना है और आपने क्रॉस का मीनिंग लिख देना है यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एक्टिंग इनवर्ड। मीन्स इस टाइप से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए डायरेक्शन मेरे पास रिवर्स हो जाती है, डायरेक्शन रिवर्स का मतलब क्या है कि आपके पास करंट इस टाइप से फ्लो कर रहा है। अगर करंट इस टाइप से फ्लो कर रहा है मीन्स आउटवर्ड, तो आउटवर्ड को हम कैसे शो करते हैं, हमेशा हम यहां पे डॉट से शो करते हैं। मीन्स आउटवर्ड को आपने कैसे शो करना है, बाय द डॉट शो करना है, और उस टाइम आपने कैसे लिखना है, क्रॉस के प्लेस पे डॉट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एक्टिंग आउटवर्ड। इस टाइप से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स एट द 12th लेवल ये चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं एज कंपेयर टू दिस, और ये चीजें आपको क्लियर भी होनी चाहिए। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सर्कल के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट डिपेंड्स कि सर्कुलर लूप आपके पास किस टाइप से प्रेजेंट है। क्लियर, एनी डाउट?